ऑलिव ऑयल गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, बट कहीं मत जाइएगा, वी विल बी बैक आफ्टर द शॉर्ट प्रोफाइल है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी अपडेटेड प्रोफाइल है, वहां पर मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस के बारे में ऑलिव ऑयल पर बात करेंगे आज। व्हाट इज ऑलिव ऑयल, उसके बेनिफिट्स क्या है। अगर कोई किसी के गोल्स हो, मसल बिल्डिंग करना, फैट लॉस करना, हेल्दी लाइफस्टाइल, मुझे लगता है कि ऑयल एक ऐसा बेसिक फूड है, ऐसी बेसिक चीज है जो कि हर चीज में यूटिलाइज हो रही है। अगर हम अपनी बेसिक को ठीक कर लेंगे तो आई गेस कि हम बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते। दैट इज वाई मैंने ऑलिव ऑयल पिक किया है टुडे आज की वीडियो में, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम इसको ऐड करते हैं। क्योंकि बेसिक चीज जो कि सबसे पहले ठीक करने की जरूरत है वो है ऑयल। हर घर में ऑयल यूज हो रहा है, हर तरीके से जो हमारा कल्चरल फूड है उसमें ऑयल ही यूज हो रहा है। ऑयल को अगर हम ठीक कर ले गाइस तो हम आई गेस 70% अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं। पहले तो बात करते हैं कि ऑलिव ऑयल बनता कैसे। गाइस ऑलिव्स होते हैं, सबको पता होगा आई गेस। वैसे तो हमारा जो कल्चर फूड है उसमें ऑलिव हम यूज नहीं करते, तो दैट इज वाई हम लोग को, लेकिन हम जब सबवे वगैरह कहीं जाते हैं तो वहाँ ऑलिव्स अवेलेबल होते हैं, हम वो अपने बर्गर के अंदर ऐड ऑन करवाते हैं। ऑलिव ऑयल ब्लैक कलर के होते हैं, इसको स्क्वीज करते हैं पहले, और स्क्वीज करने के बाद जो लिक्विड निकलता है, जो जूस निकलता है उसका, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो ऑलिव ऑयल बनता है। अब गाइस बात करते हैं कि ऑलिव ऑयल में क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर मैं बताने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना बता सकूंगा। गाइस पहले तो इसकी कैलोरीज काउंटिंग वगैरह के बारे में बात करता हूँ। 15 ml आपको ऑलरेडी मालूम है, 15 ग्राम एक स्पून साइज का होता है, तो लिक्विड है तो हम इसको ml में कंसिडर करेंगे। 15 ml अगर हम एक टेबल स्पून लेते हैं तो उसमें आपको 13 ग्राम जो है वो अनसेचुरेटेड फैट मिलेगा, और सिर्फ 2 ग्राम सेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट क्या है और अनसेचुरेटेड फैट क्या है, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, मैंने फैट डे की वीडियो बनाई हुई है। जिन लोगों ने नहीं बनाई वो जाकर मेरी वीडियो जरूर देखें, मैं स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा लेफ्ट साइड पे कि कौन सी वीडियो है, तो वो देखें, आपको फिर पता लगेगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट क्या है। फिर भी मैं बता देता हूँ, सैचुरेटेड फैट वो है जो कि गंदा फैट है, जिसकी लिमिटेशन है, हमारी बॉडी को वो भी चाहिए और उसकी लिमिट है, बट लेकिन हम लोग जिस तरह से खा रहे हैं वो बहुत गलत है। जो हम गलत ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है और अनसैचुरेटेड फैट कम है, दैट इज वाई हमें हार्ट प्रॉब्लम्स। गाइस 15 ml स्पून में आपको 13 ग्राम जो है वो अनसैचुरेटेड फैट है और 2 ग्राम जो है वो सैचुरेटेड। 13 ग्राम जो अनसैचुरेटेड फैट है उसमें अनसैचुरेटेड फैट की भी दो कैटेगरीज है गाइस, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। यानी जो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी है वो गुड सोर्स ऑफ फैट है और सैचुरेटेड फैट बैड सोर्स ऑफ फैट है। तो अनसैचुरेटेड फैट क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, जो हमारी आर्टरीज जिसको वेन्स कहते हैं। गाइस पहले तो मैं बताऊं, देखें ऑलिव ऑयल क्या करता है कि मैंने बताया ये गुड सोर्स ऑफ फैट है, इसमें अनसैचुरेटेड फैट यानी पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो कि अनसैचुरेटेड फैट की कैटेगरी है वो ज्यादा है, और अनसैचुरेटेड फैट तो है ही नहीं। अनसैचुरेटेड फैट का काम क्या है, जो हमारी वेन्स जिससे ब्लड क्या करता है, ब्लड स्क्वीज करता है, ब्लड लेता है हमारी बॉडी से और थ्रू वेन्स हमारे ऑर्गन्स में सप्लाई करता है। तो अगर उसके बीच में जो रास्ता है, जो वेन्स है, आर्टरीज है, अगर वो ब्लॉकेज होगी तो क्या होगा, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक। इसी वजह से हमें हार्ट अटैक होता है, क्योंकि हमारी फूड के अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, हमारी आर्टरीज ब्लॉकेज हुई है। तो अनसैचुरेटेड फैट हेल्प करता है उन आर्टरीज को खोलने में। वो आप जब अनसैचुरेटेड फैट लेते हो जो कि ऑलिव ऑयल है, वो उन वेन्स उस आर्टरीज के बीच में जो बैड कोलेस्ट्रॉल फंसा हुआ है उसको पंप करता है और बाहर निकालता है, ब्लड के लिए रास्ता क्लियर होता है, हार्ट अच्छे से स्क्वीज करता है और ब्लड प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को। तो अनसैचुरेटेड फैट है इसमें जो कि हमें चाहिए। गाइस
मैं थोड़ी सी और आपको डिटेल में बताना चाहूंगा मार्केट में, क्योंकि आई गेस लोगों को नहीं मालूम ऑलिव ऑयल सबको पता है बट है क्या बेसिकली और कितनी कैटेगरीज की। ऑलिव ऑयल दो तरह, एक होता है वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा डार्क कलर का होगा, ठीक है, वो हम ड्रेसिंग या टॉपिंग सेलेक्ट ऊपर डाल के खा सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फिर से बता देता हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वो है जो कि हम विदाउट ही उसको कुक नहीं करते, उसको सैलेड या टॉपिंग के ऊपर ड्रेसिंग करके अपनी मील में कंज्यूम करते हैं, और ये थोड़ा डार्क कलर का होगा। और जो वर्जिन ऑलिव ऑयल है, प्योर ऑलिव ऑयल है, वो थोड़ा लाइट कलर का होगा, वो हीट से कुकिंग के लिए, जैसे हम कुकिंग करते हैं फूड, कोई भी खाना बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो वो जो है कुकिंग के लिए जो हीट से कुक किया जाता है उसको हम वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं, वो थोड़ा लाइट ट्रांसपेरेंट कलर का होगा। गाइस पाकिस्तान में मैंने देखा है यहाँ पे ऑलिव ऑयल, पोमेस ऑयल बहुत लोग यूज करते हैं, लोगों को नहीं मालूम बस ऑलिव ऑयल है। पोमेस ऑयल जो है थोड़ी चीप क्वालिटी ऑलिव ऑयल, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह आप बाय करें हाई क्वालिटी ऑलिव ऑयल, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट आप हाई क्वालिटी लें। पोमेस ऑयल जो है थोड़ा चीप क्वालिटी है, किस तरह देखें, जब ऑलिव को स्क्वीज किया जाता है ना तो उसका जो फर्स्ट जो जूस है, जो ऑयल है वो निकल जाता है, ठीक है, फिर उस जो पल्प जो बच जाता है उसको फर्दर हीट कर उसको जो पजीर उसमें से ऑयल निकलता है वो पोमेस ऑयल है। सपोज अगर एक ऑरेंज है, आप उसको स्क्वीज करेंगे तो फर्स्ट बारी में उसका पल्प अच्छा निकलेगा, उसका जूस बहुत निकलेगा, ओके, लेकिन आप उसको दोबारा से कंटेनर में डाल के जूस निकालेंगे तो उसकी वो पोटेंसी नहीं होगी इसी तरह। बट स्टिल पोमेस ऑयल उस ऑयल से तो एटलीस्ट बेटर है जो हम जो है वेजिटेबल और कनोला ऑयल यूज कर रहे हैं, तो ये चीज मेक श्योर कि आप 100% रियल ऑलिव ऑयल खरीदें, पोमेस ऑयल भी ना खरीदें, बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। और गाइस एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, लोगों को बहुत मिथ है, मिथ कहते हैं कन्फ्यूजन को, एक पर्सन ऑलिव ऑयल खरीदते हैं हम बाहर से, महंगा ऑयल परचेज करें, देखें इसका एक इसकी टाइम इसकी पोटेंसी की हीट कैपेसिटी है, अगर आप इसको 350 या 400 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा कुक करेंगे, ठीक है, हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये डायरेक्ट ट्रैश फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ट्रैश फैट बहुत गलत है, वो डायरेक्ट कॉज करता है कैंसर को। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं कि ऑलिव ऑयल खरीद के खाते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं, हम तो ऑलिव ऑयल में कुक करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर वो लोग हाई फ्लेम पे कुक कर रहे हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल को 350 फ़ारेनहाइट से क्रॉस कुक कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल कन्वर्ट हो जाता है ट्रैश फैट में, जो कि डायरेक्ट कॉज करता है कैंसर। और ट्रैश फैट मैं कहता हूँ जो बाहर आप तले हुए समोसे पकौड़े खाते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, अगर ट्रैश फैट से आप कंपेयर करें तो आप सोचें कि आप मार्केट से महंगा ऑयल खरीद रहे हैं ये सोच करके हमें कोई हेल्थ इशू नहीं होंगे और उसको ट्रैश फैट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बहुत गलत, वर्स्ट थिंग यू आर डूइंग एवर, ओके। तो आप घर में इसको लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे कुकिंग करें और मेक श्योर कि ज़्यादा देर तक कुकिंग ना करें, एक तो वेजीज या वेजिटेबल्स के न्यूट्रिएंट्स भी बर्न हो जाते हैं और ऑलिव ऑयल भी कन्वर्ट हो रहा है ट्रांस फैट, ठीक है, तो लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे आप कुकिंग करें और वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक ना करें, ठीक है, तो तब आप इसके बेनिफिट जो कि अनसेचुरेटेड फैट और पॉली अनसेचुरेटेड फैट मैं कह रहा हूँ जो आपकी आर्टरीज को खोलेगा, आपका रास्ता खोलेगा। ऑलिव ऑयल क्या करता है गाइस, इसमें जो अनसेचुरेटेड फैट है वो हमारे LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL कहते हैं इसको रेज करता है, ठीक है, लेकिन जो सेचुरेटेड फैट है वो क्या करता है गाइस, वो भी हमें चाहिए बट उसकी लिमिटेशन है, आप देखें 15-18 या 18-20 ग्राम्स अ डे इज सेफ बट इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, उसकी मैक्रोज के हिसाब से एडजस्ट होती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके मेरी फैट इंटेक की वीडियो देखें तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। खैर गाइस अब जो अनसेचुरेटेड फैट है मैंने बताया वो LDL को नीचे करता है और LDL को रेज करता है, और सेचुरेटेड फैट हमारे LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको तो रेज करता ही करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को भी रेस करता है, तो यानी HDL को रेस कर रहा है सैचुरेटेड फैट और बैड को भी रेस कर रहा है जो कि गलत है, और जो अनसैचुरेटेड फैट है वो HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल को रेस कर रहा है और बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे कर रहा है, तो दैट इज व्हाट वी वांट, ओके। तो आप अपनी डाइट में मेक श्योर ऑलिव ऑयल ऐड करें, इट इज रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू, बट
आपने उसकी प्रिकॉशंस देखनी है, ठीक है, कि उसको ज़्यादा बर्न नहीं करना। आप जो भी अपना कल्चर फूड खा रहे हैं, सपोज दाल सब्जी बिरयानी जो भी आप कुक करें, आप ऑलिव ऑयल में अगर कुक करें तो मेक श्योर वो लो फ्लेम पे कुक करें और न्यूट्रिएंट्स को बर्न ना करें। बट स्टिल हमारे यहाँ जो कुक हो रहा है, अब आपको डिसाइड करें कि कितनी देर तक वेजीज को कुक किया जा रहा है। बट मैं आपको कहूँगा कि अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो कल्चर फूड है वो बहुत देर तक कुक होता है, ठीक है, पहले तो चीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की मॉडरेशन करें। सपोज इस तरह की आप कॉर्न ऑयल खरीद लें, कॉर्न ऑयल में आप कुकिंग करें, इसको झल्ली का तेल कहते हैं, कॉर्न ऑयल इसमें कुकिंग करें, ठीक है, लो फ्लेम पर, ठीक है, ताकि आप, क्योंकि कॉर्न ऑयल का स्मोक पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो फारेनहाइट ज़्यादा है, वो ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट नहीं होता, बट कोई भी ऑयल ज़्यादा फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रैश पैड में। तो आप कॉर्न ऑयल खरीदें, ठीक है, उसमें कुकिंग करें और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल परचेज करें, उसके ऊपर आप उसके ऊपर एक टेबल स्पून जब कुक हो जाए, जब वो हीट बंद करके उसको कुकिंग के बाद उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की एक टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑलिव ऑयल फॉर कुकिंग खरीद रहे हैं तो मेक श्योर आपने उसके न्यूट्रिएंट्स बर्न नहीं करने, इसको ट्रैश फैट में कन्वर्ट नहीं करना, तभी आपको जो पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट है उसके बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको हार्ट प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक कम कर देगा गाइस, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ब्लड प्रेशर लो करेगा, आपको इंसुलिन प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज जिनको टाइप 2 डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो अपनी डाइट में ऐड करें, आप बहुत टन्स ऑफ बेनिफिट, एंटी ऑक्सीडेंट भी है ये, जिनको स्ट्रेस है लाइफ में वो भी कम करता है, स्ट्रेस रिलीफ करता है, तो स्किन के लिए अच्छा है गाइस, टन्स ऑफ बेनिफिट्स मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर मैं बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। सो गाइस आई होप कि ऑलिव ऑयल को इतनी डिटेल में समझाने के बाद अब आपको पता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कौन कौन सा ऑयल की कितनी टाइप्स हैं और कौन सा आपको बाय करना है। और मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा कि देखिए मार्केट में चीटिंग बहुत है कि कौन सा ऑलिव ऑयल जो है बेस्ट, ऑलिव ऑयल सही है भी या नहीं, उसकी एक चीज़ है कि आप ऑलिव ऑयल को एक घंटे के लिए अपने फ्रीजर के अंदर रख दें, अगर वो जाम हो गया या फ्रीज हो गया तो दैट मीन्स कि वो फेक है, ठीक है, अगर वो एक घंटे तक जाम नहीं हुआ दैट मीन्स वो रियल है और जेन्युइन है। तो आई होप गाइस इस टॉपिक ने आपको हेल्प आउट करेगी आपकी लाइफ में और ये बेसिक चीज़ जो है अगर आप ठीक कर लेंगे तो आप 70% आई गेस अपनी फूड को ठीक कर लेंगे। तो गाइज आई विल बी बैक अगेन विद अनदर वीडियो, मेरे चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करते रहो ताकि मैं नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ बनाता रहूँ। टिल देन आई एम साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।